हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशनल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आप सबका एक कॉमन कमेंट आता रहता है कि सर मैं अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर बन गया तो मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है। और एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है कि सर मैं बीटेक किया हूं या बीई किया हूं, क्या मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकता हूं? तो आज के इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की सैलरी कितनी हो सकती है और हाईएस्ट कितना कमा सकते हैं, मींस हाईएस्ट कितनी अर्निंग हो सकती है। और दूसरी चीज, आप बीटेक हो तो क्या आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सैलरी का डिस्कशन करूं तो आपको जो मैक्सिमम सैलरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे मिलेंगे वो 15 टू 20 के बीच में मिलेंगे, 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन है कि अभी लोग कम सैलरी में उनको एम्प्लॉय मिल जा रहे हैं तो इजिली वो हायर कर ले रहे हैं। तो आपको 15,000 से 20,000 रुपए की सैलरी में स्टार्ट करना पड़ेगा अपने करियर को। लेकिन आपको तब अच्छा समझ में आएगा जब आप कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस ले लोगे। जैसे ही आप एक साल का एक्सपीरियंस लोगे तो आप इस डोमेन में आराम से 25,000 से 30,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हो। 25,000 तो नो डाउट आप कर ही लोगे अगर एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता तो। सो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है इस डोमेन में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको डायरेक्ट तो कोई काम देने वाले नहीं है। क्या करने वाले हैं? आपको ऑटोकैड के ऊपर बैठाने वाले हैं, बोलने वाले कि ऑटोकैड में ये ड्राफ्ट करके दिखाओ। अब उसके बेस पे सैलरी कितनी होती है ऑटोकैड के बेस पे? 15,000 तो होती नहीं है, 10,000 से 12,000 होती है। आपको चलो एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे लेते रहेंगे कि भाई क्रॉस चेक करो, कॉलम ओरिएंटेशन ठीक है क्या, लैपिंग तो नहीं हो रही है, सारी चीज चेक करने के लिए आपको थोड़ी सैलरी दे देते हैं। बट 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि बीटेक और एमटेक। देखो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप बीटेक हो और आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर आराम से बन सकते हो। नो डाउट अगर आपने एमटेक किया है तो आप डायरेक्ट इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो, बट अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो। सैलरी भी आपकी अप्रॉक्स 15 से 18 के बीच में वेरी करेगी, 15 से 18 के बीच में वेरी करेगी। अब कुछ कंपनियां हैं जो 12 दे रही हैं तो उस पर ना करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उनके कंपनी का लेवल ही वही है तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। कम से कम 15 से 18 हज़ार के बीच में आपको मिनिमम सैलरी तो मिलनी ही चाहिए आज के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी बड़े सिटी में सर्वाइव करना है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 15 से 18 हज़ार रुपये आप आ जाते हो, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो यहाँ पर सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो जॉब होती है ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है। क्या होती है ये व्हाइट कॉलर जॉब होती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कभी कभी जाके साइट पर विजिट करना होता है और इस प्रोफाइल का जो रिस्पेक्ट है वो अलग लेवल पे है। दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर का एकदम बिहेवियर समझ में आने लगता है, कैसे रिएक्ट करेगी, कितना स्टील डाल दूं, सारा कुछ आपको समझ में आ जाता है 5 साल के अंदर। कुछ यूं कि आप कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, उड़ती हुई चिड़िया को मैं पंख गिन लेता हूं, कुछ इस तरीके से लोग बोलते हैं ना, तो कुछ उसी तरीके से स्ट्रक्चर की प्रोफाइल में आ जाता है कि अब आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो चुका है कहां जाएगा स्ट्रक्चर, कैसा बिहेवियर होगा, स्टिफनेस कब आएगी, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी, सीयर स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी, सब दिखने लगता है। सॉफ्ट स्टोरी हो सकती है क्या, सब दिखने लगता है। पीक स्टोरी तो नहीं होगा, वो भी दिखने लगता है। तो ये सारा टर्म्स एज एक्सपीरियंस आता चला जाता है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं उनको क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या पढ़ना चाहिए, बट अभी भी बता रहा हूं, अगर आपके पास मैनुअल का नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सेल का नॉलेज है, स्टैटफो का नॉलेज है और आरसीडीसी का नॉलेज है और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, आप परफेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो बिगनर लेवल के। परफेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो बिगनर लेवल के। अब वो बोलोगे सर फिर अच्छे लेवल का बनने के लिए, मतलब इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल बनने के लिए और पढ़ना पड़ेगा। एक्सेल अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप इंटरमीडिएट तक जा सकते हो, बट एक्सपर्ट लेवल के लिए आपको ईटैब्स और सेफ सीखना पड़ेगा, ईटैब और सेफ सीखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर फिर मैं स्टेट और आरसीडीसी क्यों सीखूं? हाँ बिल्कुल, आप अगर आपका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो ईटैब और सेफ के लिए, बट नहीं तो स्टार्टिंग यहां से करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि कुछ इस तरीके से फुटिंग का वर्क थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है आपका। तो मैं इसलिए कहता हूं सबसे पहले स्टेट और आरसीडीसी करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद जब आप ईटैब और सेफ सीखते हो तो आपको सीखने का ज्यादा मजा आता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि ईटैब और सेफ में, ईटैब में खासतौर से इतना डायनेमिक का पार्ट ज्यादा है
कि उसको पढ़ने के लिए पहले आपको स्टैटिक का पार्ट तो क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो उसके लिए अगर आपको स्टैट और आरसीडीसी का नॉलेज है तो आपके लिए ज्यादा इजी होता है। इस तरीके से आप आराम से अपने स्ट्रक्चर में कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। नो डाउट इसमें आपको मजा तब आएगा जब आप सीख के कुछ खुद का करने लगोगे। वैसे तो लोग पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं 2 साल के बाद, उनके पास खुद के प्रोजेक्ट आने लगते हैं, वहां से उनकी अच्छी अर्निंग होने लगती है। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है अर्निंग करने का, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, वहां से कुछ आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आपने अर्न कर लिया। मैं खुद भी करता था, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर लेता था प्रोजेक्ट के थ्रू, अभी भी कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सैलरी में थोड़ा सा खतरा, सैलरी सेव हो गई, हमने खर्चा यहाँ से चला लिया। तो 2 साल का वेट करो, अपना डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसमें आप बाहर से भी पैसे कमा सकते हो। सारे डोमेन में ये नहीं है, ठीक है, सारे डोमेन में ये नहीं है। मैकेनिकल के लिए काम करने के लिए बहुत हेक्टिक आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी, तरह तरह की चीजें होंगी। बट सिविल का काम, अगर आप डिजाइनिंग वर्क में हो, लैपटॉप है, आप एक्स्ट्रा अर्निंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन बन सकता है और किस तरीके से बन सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।